दिस इज़ पुश इंग्लिश एंड आई एम रेणुका सिंह. सो हियर आई एम विद वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स फ्रॉम योर सेकेंड बुक सप्लीमेंट्री रीडर, दैट इज़ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. द नेम ऑफ द बुक इज सेम एंड द चैप्टर्स नेम इज़ दिस. सो टुडे वी आर गोइंग टू टेक अप दिस फुटप्रिंट्स विदाउट फीट रिटन बाई एच जी वेल्स. सो लेट अस सी व्हाट इज देयर. दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू इज अ माइंड मैप चिल्ड्रन, विच इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू टू रिमेंबर हाउ थिंग्स हैव been synchronized and what are the things that you have to keep in mind. So this is a mind map which I'm going to explain you, but before that let me just introduce you to the characters. So सबसे पहले characters से आपको introduce करा देते हैं, जिसमें जो हमारा main protagonist है वो है Griffin, एक eccentric scientist. Eccentric का मतलब होता है a person who behaves strangely, थोड़ा पागलपन जिसमें है. और आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम ही बहुत इंटरेस्टिंग है, यानी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. और ये कब होगा, जब कोई इंसान इनविजिबल होगा. तो यहाँ पर ये जो इनविजिबल साइंटिस्ट है वो ग्रिफिन है. दूसरा एक क्लर्जीमैन है और उनकी वाइफ है. तीसरे मिस्टर और मिसेस हॉल हैं, जो जिस इन में एपिंग के जिस इन में हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है यानी ग्रिफिन वो ठहरा हुआ है, उस इन के ओनर मिस्टर और मिसेस हॉल हैं. उसके बाद मिस्टर जैफर्स हैं जो कि कॉन्स्टेबल हैं. ठीक है, तो ये हुआ थीम आपका. और थीम से पहले थोड़ा सा मैं आपको आगे बढ़ के बताना चाहूँगी, पहले सबसे पहले एच जी वेल्स के बारे में, क्योंकि ऑथर के बिना जाने हमें प्रॉब्लम हो सकती है. हम अनलेस एंड अनटिल वी नो अबाउट हिम, इट विल बी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दी स्टोरी. सो ये हैं हमारे एच जी वेल्स, और इनका पूरा नाम है हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स, who was born on 21st September 1866 and he died on 13th August 1946. ठीक है, एक इंग्लिश राइटर थे, बहुत ही प्रोलिफिक इन मैनी जॉनर्स, dozens ऑफ novels. ना सिर्फ उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी, लॉन्ग स्टोरीज, नावल, कंटेम्प्रेरी इशूज़ पर लिखे, सोशल इशूज़ पे, सटारिकल बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मतलब डिफरेंट जॉनर्स इन्होंने कवर अप किए हैं, जिनमें से दर्जनों इनकी नॉवेल्स हैं, कुछ शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, कुछ सोशल कंटेम्प्रेरी इशूज़ हैं, सटारिकल पीसेस हैं, बायोग्राफी भी लिखी है, ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है, और उनकी दो बुक्स हैं रिक्रिएशनल वॉर गेम्स पर भी हैं. एंड ही इज़ नाउ बेस्ट रिमेम्बर्ड फॉर ए साइंस फिक्शन नावल, और स्पेशली ये भी एक साइंस फिक्शन नावल है, एंड उनको इसीलिए फादर ऑफ साइंस फिक्शन भी कहा जाता है, जिसमें जूल्स वर्ने और ह्यूगो जोन्सबैक ये दो लोग हैं. इनके अलावा ये भी कहलाते हैं फादर ऑफ साइंस फिक्शन. और एक्चुअली एच जी वेल्स ने ये नावल लिखी है इनविजिबल मैन, एन इनविजिबल मैन, बट आपके टेक्स्ट बुक में इसे एक स्टोरी की तरह दिया गया है, इसलिए उसका नाम बहुत शॉर्ट कर दिया गया या नाम बदल दिया गया, और वो लिखा गया फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. ठीक है बच्चों, तो अगर कभी टाइम मिले आपको तो ये नावल ज़रूर पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. तो लेट अस मूव ऑन टू द थीम ऑफ दी. तो मैं कैरेक्टर्स के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुकी थी, अब आते हैं हम थीम पर. थीम ये है कि द स्टोरी टेल्स इट नॉट ओनली डील्स विद दी साइंस, बिकॉज हम पहले जान चुके हैं कि ये एक साइंस फिक्शन है, तो साइंस तो होगा ही, एक नेचुरल सी बात है, बट कैसे पर्सनल यूज़ के लिए एक व्यक्ति ने साइंस को मिसयूज़ किया, उसके ऊपर ये स्टोरी है. ठीक है, अब आते हैं जिस्ट पर. तो ये जो स्टोरी है फुटप्रिंट विदाउट फीट, ये एक ऐसे ब्रिलियंट रिफाइंड साइंटिस्ट के बारे में है जिसका नाम ग्रिफिन था, लेकिन ये किस तरीके से एक लॉलेस, एक मॉरली रॉन्ग बंदा साबित हुआ. ही इज़ नॉट मॉरली अपराइट एंड ही प्रूव्स टू बी, ही इज़ डीजनरेटेड इन टू अ लॉलेस पर्सन. किस तरीके से कितना इंटेलिजेंट साइंटिस्ट क्यों कर ऐसा बना, कानून को ना फॉलो करने वाला. ग्रिफिन ने ये डिस्कवर कर लिया था कि किस तरीके से ह्यूमन बॉडी को हम ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, इनविजिबल बना सकते हैं, और उसने अपनी इसी ग्रेट डिस्कवरी का मिसयूज़ किया. ना सिर्फ देखो ये पावर आ गई, बहुत अच्छी है. अगर आपने मिस्टर इंडिया पिक्चर देखी हो अनिल कपूर की, तो आप उससे शायद रिलेट कर पाएंगे कि उसके पास एक वॉच थी जिसको पहनते ही वो इनविजिबल हो जाता था और फिर भले काम करता था. ही यूज़ टू
डू गुड वर्क, सोशल वर्क करता था, बट इस पावर को, इस पावर ऑफ इनविजिबिलिटी को अगर चाहता ग्रिफिन तो वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए यूज़ करता, बट उसने नहीं, उसने इसको मिसयूज़ किया, लोगों को थ्रेटन किया, परेशान किया, इनोसेंट लोगों को मारा पीटा, उनको लूटा और बहुत सारे इलीगल एंट्रीज़ की स्टोर्स में, शॉप्स में चुराने के लिए, यहाँ वहाँ से कुछ कुछ चोरियाँ करके। इतना ही नहीं, उसने बर्गलरी भी, यानी उसने क्लर्जी मैन के घर में, एक विकार विकार होता है जो प्रीस्ट होते हैं, उनके घर में जाके चोरी भी की, पिंक के एक बहुत बड़े क्लर्जी मैन के घर में। ग्रिफिन हमेशा इनविजिबल या अनसीन ही रहता था जब वो अपने कपड़ों के बिना रहता था, और जैसे ही कपड़े पहनता था तो एक ऑब्वियसली एक कॉन्टोर और एक शेप आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब वो अपने कपड़े डाल लेता तो उसकी इनविजिबिलिटी ख़त्म हो जाती, वो दिखने लगता लोगों को, जो लोग उसके अगल बगल थे। तो लेसन यही है कि साइंस का मिसयूज़ करना या किसी भी ग्रेट डिस्कवरी का मिसयूज़ करना, इस जैसे ग्रिफिन जैसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट को उसने क्या बना दिया, इस डिस्कवरी ने एक मॉन्स्टर बना दिया और एक वो थ्रेटनिंग लॉलेस पर्सन बन गया। अब आते हैं जो इतना इंटरेस्टिंग एक टाइटल दिया गया है इस स्टोरी को। टाइटल देखिए कैसे हम जस्टिफाई करते हैं, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है बच्चों, हाउ टू जस्टिफाई टाइटल, हाउ डू यू जस्टिफाई द टाइटल एन इनविजिबल मैन या फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो ये जो स्टोरी है ये है एक स्टोरी साइंटिस्ट की, किस तरीके से वो इनविजिबल बन जाता है और वो एक पोशन डिस्कवर करता है जिसकी वजह से वो इनविजिबल हो जाता है, और वो इस खूबसूरत डिस्कवरी को मिसयूज़ करता है, सेल्फिश पर्पस के लिए यूज़ करता है, लोगों को नुकसान पहुँचाता है। वो ट्रांसपेरेंट तो रहता है लेकिन सॉलिड रहता है ग्लास की तरह। तो स्टोरी को टाइटल इसलिए ऐसा मिला क्योंकि फुटप्रिंट्स तो हैं लेकिन एक ट्रांसपेरेंट फुट है, क्योंकि जब इंसान ही ट्रांसपेरेंट है या इनविजिबल है तो ऑब्वियसली उसका फुट जो है वो नज़र तो आएगा लेकिन इंसान नज़र नहीं आएगा। सो जस्टिफाइड टाइटल है एकदम। जो दो वैल्यूज़ इंट्रोड्यूस किए जाते हैं इस चैप्टर के थ्रू, एक तो पहला हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लर्नर ये स्टोरी पढ़ने के बाद एटलीस्ट पर्सनल यूज़ के लिए साइंस को मिसयूज़ ना करें, दूसरा हमें सेल्फ बेनिफिट के लिए दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, यानी हमारी जो एग्जिस्टेंस है, हमारा जो काम है वो सेल्फलेस होना चाहिए सोसाइटी में, ठीक है। तो ये थीम था, ऑथर के बारे में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब थोड़ा सा डिस्कवरी आइए इस डिस्कवरी के बारे में जानते हैं, समरी डिस्कस करते हैं, क्योंकि चैप्टर का ये ओवरव्यू है। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। द स्टोरी इज़ अबाउट अ साइंटिस्ट नेम ग्रिफिन। लेकिन जो बच्चे लाइव सेशन देखना चाहते हैं, मेरा लाइव एक्सप्लेनेशन है इस चैप्टर को, प्लीज़ उसको ज़रूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाके चेक करिएगा। और जो बच्चे अभी नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया जिन्होंने चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मुझे आपके कमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इंतज़ार रहता है, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करते हैं और बेटर करने के लिए। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट डालिए। सो द स्टोरी इज़ अबाउट अ साइंटिस्ट नेम ग्रिफिन। तो कहानी ग्रिफिन की है और वो अलग अलग तरीके डिस्कवरी करता रहता है, और इसी डिस्कवरी के दौरान वो एक ऐसी डिस्कवरी करता है जिसमें इंसान इनविजिबल हो जाएगा, ठीक है। इनविजिबल तो हो जाएगा लेकिन उसको रिवर्ट बैक करना नहीं आता है अब, यानी इनविजिबल होने के बाद वापस अगर वो लौटना चाहे तो वो कैसे लौटेगा उसका कुछ इसने डिस्कवर नहीं किया था, लेकिन हड़बड़ाहट में आकर ये कुछ रेयर ड्रग्स को स्वैलो कर लेता है जो उसे इनविजिबल बना देते हैं। और पहली बार इसे नोटिस करते हैं दो बच्चे एक घर के स्टेयर के सीढ़ियों पर, जहाँ पर उन्हें फुटस्टेप्स तो दिख रहे होते हैं और वो बच्चे उसको फॉलो करने लगते हैं। दे फॉलो इट अनटिल द फुटस्टेप्स आर फेंटर एंड कैन नॉट बी सीन। और वो तब तक कुछ फुटस्टेप्स को फॉलो करते हैं जब तक वो फेंट या हल्के नहीं हो जाते और अब दिख नहीं रहे हैं। पहले तो उसे ठंड लगने लगती है, फिर वो मॉल में घुसता है एक थोड़ी सी गर्माहट के लिए एक स्टोर में, लेकिन वो स्टोर बंद हो चुका है तो वो कुछ गर्म कपड़े वहाँ से पहन लेता है, वहीं से रेफ्रिजरेटर में से कुछ खाने की चीज़ें निकाल लेता है कपड़े और उनको पहन लेता है। अब किचन रेस्टोरेंट के किचन में जाता है, वहाँ कोल्ड मीट और थोड़ी कॉफ़ी पड़ी होती है वो खाता है। फिर उसके बाद से ग्रॉसरी शॉप में जाता है, वहाँ कुछ स्वीट्स और ड्रिंक्स होते हैं वो ले लेता है, ड्रिंक वाइन पी लेता है। उसके बाद से वो सो जाता है वहीं पर पाइल ऑफ क्विल्ट्स पर, मतलब वहीं पर कंबलों के ढेर पर सो जाता है। सुबह उसकी नींद देर से उठती है, तब तक स्टोर के जितने भी असिस्टेंट होते हैं वो उसको देख लेते हैं, उसका पीछा करने लगते हैं। तो बचने का अब एक ही उपाय है कि या तो वो सारे कपड़े निकाल दे या उनसे पकड़ा जाए और पिट जाए। तो वो सारे कपड़े जो उसने पहने थे वो एक एक करके निकालता जाता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि वो बिल्कुल इनविजिबल हो जाता है। तो इस तरीके से वो गलियों में घूमता रहता है बिना कपड़ों के, लंदन के
कड़ाके की ठंड में, कई बार उसे ज़ुकाम भी हो जाता है, उसकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेते हैं स्टोरी। उसके बाद से वो डिसाइड करता है कि एक थिएटर कंपनी से पहले कपड़े चुराएगा और अपने फेस को कवर करने के लिए कुछ ज़रूर करेगा। वहाँ से वो बैंडेजेस चुराता है फेस के लिए, एक काला चश्मा चुराता है, फॉल्स नोज़ वहाँ से लेता है, एक हैट लेता है। इस तरीके से वहाँ से जब निकलता है तो उसके एक शॉपकीपर की शॉप में घुसकर उसके सारे पैसे चुरा लेता है और उसको बहुत ब्रूटली मारता है। सून ही रियलाइज़, जल्दी ही उसे रियलाइज़ होता है कि लंदन एक बहुत ही ओवरक्राउडेड जगह है, तो मुझे ऐसी किसी जगह जाना चाहिए जो बहुत ही रिमोट हो, अकेला कहीं बसा हुआ एक विलेज जहाँ भीड़ भाड़ से मैं दूर चलूँ। और ऐसा ही एक गांव से मिलता है जिसका नाम इपिंग विलेज है, IPING। वहाँ ये दो कमरे एक इन में, इन क्या होता है बच्चों, इन एक रूम जहाँ पर आप एकोमोडेशन का इंतज़ाम हो, जहाँ एकोमोडेशन आपको प्रोवाइड किया जाए। ये जब इपिंग विलेज पहुँचता है वहाँ पर, तो इसे ही रीचेस देयर एंड इट इज़ स्ट्रेंज, और लोगों के लिए अजीब सी बात है क्योंकि इसका जो अपीयरेंस है बहुत ही वियर्ड है, अजीब है, अनयूजुअल है, स्ट्रेंज है। तो लोग जब इनमें रह रहा होता है विंटर सीज़न में, तो लोगों को अजीब लगता है, भाई इस वक्त में तो टूरिस्ट भी नहीं आते। लेकिन मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल तो खुश होते हैं क्योंकि उनका इन किराए पर उठ जाता है, और एक बार जब उसका पैसा चोरी हो जाता है तो वहीं के विकारेज से, वहीं के क्लर्जीमैन से ये पैसे भी चुरा लेता है, ठीक है। और एक बार लैंडलॉर्ड और उनकी पत्नी उसका कमरा भी चेक करने की कोशिश करते हैं उनके एब्सेंस में, और विलेज कांस्टेबल से मदद मांगी जाती है। मिसेस हॉल जो कि लैंडलॉर्ड की वाइफ हैं, जो इनकी ओनर हैं, वो कई सारे सवाल जवाब पूछती हैं, तो उस पर वो फर्नीचर उड़ा कर देकर उनको मारता है। वो बहुत फ्यूरियस हो जाती हैं और फिर अल्टीमेटली इनको पता चलता है कि ये कोई पेशेंट या कोई एक्सीडेंटल वो नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंटर नहीं है, ये तो बहुत ही ख़तरनाक आदमी है। और फिर वो अपनी आँखों से जब उसको देख लेती कि ना इसका सर है ना गर्दन है, ये इंसान ही नहीं है, दिख ही नहीं रहा है, तो मिस्टर जाफ़र जो कि कांस्टेबल है उनसे मदद मांगती है। मिस्टर जाफ़र आते हैं, लेकिन फिर वहीं पर ये अपना पुराना हथियार, और वो हथियार मतलब क्या, पुराना स्ट्रैटेजी अपनाता है, अपने सारे कपड़े निकाल करके वहाँ से भाग जाता है, ठीक है। तो ये है अपनी स्टोरी, और आई होप आपको समझ में आई होगी। और नेक्स्ट जो है वो मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है बच्चों। Yeah.